हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियोस में आपने जो है क्वेश्चन नंबर 10 तक जो देखा था, सॉरी 9 तक देखा था, वहाँ पे वीडियो हमने बना के दिया था। अब इसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 से हम आपको हम आगे बता रहे हैं। देखिए दिया है यहाँ पे इफ एक्स इज इक्वल टू 5 - √6 फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x2। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x2 की यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है। इसको देखिए दिया गिवेन है यहाँ पे एक्स इक्वल टू 5 - √6। तो आपको यहाँ पे कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x2 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए हम यहाँ पे जो x वैल्यू 5 - √6 है, तो यहाँ पे कह रहा है 1/x, पहले हम 1/x वैल्यू फाइंड करें, तो 1/x इक्वल टू हो जाएगा क्या 1/5 - √6। अब हम क्या करें, इसी को रेशनलाइज कर देते हैं, इसी के जस्ट अपोजिट 5 + √6 से ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे इसकी आ जाएगी वैल्यू 5 + √6 अपान। देखिए अब यहाँ फार्मूला बन जाएगा a² a - b a + b, तो क्या होता है a² - b² हो जाएगा 5² - √6² आएगा 5 + √6 अपान 5² - 2² 4, और यहाँ पे स्क्वायर रूट सिक्स का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आएगा 6 - 4 = 24। तो इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे 1/x वैल्यू आएगी 5 + √6, 1/x की वैल्यू 5 + √6। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू पूछा है, तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिखते हैं x² + 1/x² की वैल्यू कितनी है 5 - √6 स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दिए, प्लस 1/x वैल्यू 5 + √6 इसके भी होल स्क्वायर, क्लियर है। तो यहाँ देखिए इसका यहाँ फार्मूला बन गया है a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² मीन्स हो जाएगा 5² + b² √6 का होल स्क्वायर -2ab - 2 × 5 × √6 प्लस एप्लस लगाओगे यहाँ पर भी ऐसे ही 5² + √6 का होल स्क्वायर और फिर प्लस 2ab 2 × 5 × √6, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये -2 × 5 = 10 2 × 2 = 24 -2 × 5 = 10 10 × 2 = 20 20 √6 प्लस 5² = 25 प्लस यहाँ पर भी आपका 24 और ये प्लस 2 × 5 = 10 2 × 20 √6 पॉजिटिव और निगेटिव कैंसिल 25 24 25 24 ये आपका ऐड करोगे दिया कितना आएगा 98। x² + 1/x² की वैल्यू इक्वल टू कितना 98 ये हो जाएगा आंसर, क्लियर है। एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे x की वैल्यू 5 - √6 है तो 1/x वैल्यू हमेशा इसका जस्ट अपोजिट ही आता है, अगर कुछ कैसे केसेस जिसमें नहीं भी आता, लेकिन मोस्टली यही होता है कि x की वैल्यू अगर 5 - √6 है तो 1/x वैल्यू इसका जस्ट अपोजिट, बस वही साइन चेंज हो जाएगा। देखिए 5 - √6 है, 1/x वैल्यू कितनी आ गई 5 + √6, इसको थोड़ा सा आप लोग केयर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ये आपको जो है वर्क करेगा। अब इसको हम यहाँ पे रिज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका 10 था। अब क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा वो लॉन्ग है, इसलिए उसको देखते हैं हम यहाँ पे। दिया गया सो दैट 1/√2 - √7 + 1/√7 - √6 - √5 + 1/√5 - √2 इक्वल टू आपको प्रूव करना है 5 ये आपको प्रूव करना है, सो ये करना है यहाँ पे। तो ये हम यहाँ पे देखिए हर जितने भी टर्म्स 1 2 3 4 5 5 टर्म्स है, 5 टर्म्स का हम यहाँ पे 1 बाई 1
ठीक है, इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। देखिए, वन अपान थ्री माइनस टू रूट टू, इसको आ गया यहाँ पे थ्री प्लस टू रूट टू अपान थ्री प्लस टू रूट टू, माइनस माइनस लगाएंगे, वन अपान टू रूट टू माइनस रूट सेवन मल्टीप्लाई, इसी के जस्ट अपोजिट टू रूट टू प्लस रूट सेवन, टू रूट टू प्लस रूट सेवन। फिर अब यहाँ पे ये प्लस है, वन अपान रूट सेवन माइनस रूट सिक्स मल्टीप्लाई रूट सेवन प्लस रूट सिक्स से हो गया तीन हो गए। अब इसको देखिए, इसको यहाँ का आगे निश्चित करते हैं, वन अपान रूट सिक्स माइनस रूट फाइव मल्टीप्लाई रूट सिक्स प्लस रूट फाइव अपान रूट सिक्स प्लस रूट फाइव। फिर यहाँ पे प्लस वन अपान रूट फाइव माइनस रूट टू रूट फाइव, सॉरी ये रूट टू नहीं है, केवल टू है, ठीक है, ये टू है केवल, हो जाएगा मल्टीप्लाई रूट फाइव प्लस टू अपान रूट फाइव प्लस टू, ये यहाँ तक हुआ। अब इसको देखिए, यहाँ पे इसमें देखिए थ्री प्लस टू रूट टू मल्टीप्लाई वन में थ्री प्लस टू रूट टू अपान, ये हमारा फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डायरेक्ट लिखें थ्री का स्क्वायर नाइन माइनस टू का स्क्वायर फोर और टू जा एट, फिर यहाँ पे माइनस यहाँ पर भी आएगा टू रूट टू प्लस रूट सेवन अपान, यहाँ फार्मूला बनेगा टू रूट टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर और रूट स्क्वायर स्क्वायर कैसे फोर टू जा एट और स्क्वायर रूट रूट सेवन का स्क्वायर सेवन, ये हो गया प्लस, यहाँ पर भी देखिए रूट सेवन प्लस रूट सिक्स अपान, नीचे हो जाएगा फार्मूला आपका बनेगा तो आएगा सेवन माइनस सिक्स, फिर यहाँ पर भी आपका प्लस रूट सिक्स प्लस रूट फाइव अपान, नीचे हो जाएगा यहाँ पे सिक्स माइनस फाइव प्लस रूट फाइव प्लस टू अपान, नीचे फाइव माइनस फोर, ठीक है रूट फाइव माइनस टू है तो रूट फाइव का स्क्वायर फाइव माइनस टू का स्क्वायर फोर, फाइव माइनस फोर हो गया। नीचे देखिए सब में वन आ रहा है, देखिए वन 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 वन, डिनोमिनेटर सब का सेम है तो हम न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं, तो ऐड कर दीजिए यहाँ आप न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे थ्री प्लस टू रूट टू माइनस टू रूट टू, आगे माइनस वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा माइनस रूट सेवन प्लस रूट सेवन प्लस रूट सिक्स, ठीक है ये इतना हुआ, ठीक है यहाँ माइनस है रूट सिक्स, हाँ ये माइनस आ गया आपका, ठीक है इसमें यहाँ पर भी माइनस भी होगा तो माइनस रूट सिक्स और माइनस वजह से यहाँ पे रूट फाइव और प्लस रूट फाइव प्लस टू, नीचे आप डेवडे सब वन ही है इसलिए यहाँ पे उसको कोई मतलब ही नहीं है। अब आप देखिए टू रूट टू पॉजिटिव निगेटिव, रूट सेवन निगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, रूट सिक्स पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल और रूट फाइव निगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, बचा केवल थ्री प्लस टू इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे फाइव। इसे आप लिख सकते हैं क्या एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ये आपका प्रूफ हो जाएगा, क्लियर है। इस तरह से आप क्वेश्चन ये सॉल्व करो, ये क्वेश्चन नंबर आपका ही रहेगा, हो गया। अब एक क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व भी ऐसे ही आप इसको सॉल्व करना रेशनलाइज करने के लिए। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, बता रहे क्वेश्चन नंबर थर्टीन, ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टीन, क्वेश्चन नंबर थर्टीन में देखिए, थर्टीन दिया गया है इफ रूट टू इज इक्वल टू वन पॉइंट फोर एंड रूट थ्री इज इक्वल टू वन पॉइंट सेवन, तो कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन इसकी वन अपान रूट थ्री माइनस रूट टू की वैल्यू क्या होगी, इसको आप स्लाइस कर दीजिए रूट थ्री प्लस रूट टू मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई वन में गए तो ये आएगा रूट थ्री प्लस रूट टू अपान, नीचे फार्मूला बन जाएगा आएगा थ्री माइनस टू, ठीक है। अब यहाँ पे जो है रूट थ्री प्लस रूट टू अपान वन, अब रूट थ्री वैल्यू कितनी दी गई है वन पॉइंट सेवन प्लस रूट टू की वैल्यू वन पॉइंट फोर, दोनों को आप ऐड कर दीजिए यहाँ पे
11 11 11 2 11 33.1 ये आपका आ गया यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। 3.1 ऐसे यहाँ पे इवेल्युएट करने के लिए बना हुआ है, ऐसे ही सेम क्वेश्चन आ रहा है 14 और 15 इवेल्युएट करने के लिए है। 14 में देखो इवेन है यहाँ पे, 4 माइनस रूट 5 अपान 4 प्लस रूट 5 प्लस 4 प्लस रूट 5 अपान 4 माइनस रूट 5। यहाँ क्या है, यहाँ पे आप एक एक टर्म कर लीजिए, क्रिस्टलाइज कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए इसका। यहाँ पे देखिए 4 माइनस रूट 5 अपान 4 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाई 4 माइनस रूट 5 अपान 4 माइनस रूट 5 प्लस 4 प्लस रूट 5 अपान 4 माइनस रूट 5 इंटू 4 प्लस रूट 5 अपान 4 प्लस रूट 5। ऊपर देखिए यहाँ पे 4 माइनस रूट 5 4 माइनस रूट 5 यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला यहाँ पर नहीं, कैसे यहाँ पर दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा आ जाएगा, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज फर्स्ट सी खत्म, और ये जो चैप्टर फर्स्ट है वो भी यहीं पे फिनिश, ठीक है। अब इसके बाद फिर आपका यूनिट टेस्ट होगा, यूनिट टेस्ट के लिए आप प्रिपरेशन कर लीजिए और इसको यहाँ तक आप सभी लोग फेयर कॉपी में सॉल्व कर लेंगे, ओके।